व्हाट आर मिक्सचर्स. सो मिक्सचर हम किसे कहते हैं? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर. कोई भी सब्सटेंस उसे हम मिक्सचर तभी कहेंगे जब उसके अंदर क्या होगा, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स क्या होंगे, मिक्स किए हैं हमने, उसके अंदर मिलाए हैं, ठीक है. बट वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकल कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है. हमने क्या किया, उनको सिंपली फिजिकली उनको मिक्स किया है, ठीक है. तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक मिक्सचर है. जैसे हम बात करते हैं चोक वाटर मिक्सचर की, हमने क्या किया है, वाटर के अंदर चोक पाउडर को मिक्स किया है. या फिर हम क्या करें, सोप सॉल्यूशन ले लें. या फिर हम बात करें कि हमने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन क्रिएट किया है, ठीक है. तो ये सब किसके एग्जांपल हुए, आपके मिक्सचर्स के एग्जांपल हुए, ठीक है. अब बात करते हैं चोक वाटर मिक्सचर की. अब चोक वाटर मिक्सचर मतलब किससे मिलके बना है, ये चोक के पार्टिकल से मिलके बना है और वाटर से मिलके बना है. अगर हम बात करें सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो वो किससे मिलके बना है, सॉल्ट से मिलकर बना है और वाटर से मिलके बना है. सो इनको हम क्या बोलते हैं, जिनसे मिलके वो मिक्सचर बनता है, जिससे जो जो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कोल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. या तो उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है. द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स. सो इफ यू टॉक अबाउट सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट एंड वाटर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट मिक्सचर, क्लियर. सेम एज विद चोक वाटर, चोक एंड वाटर आर द कंपोनेंट्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर. सो दिस वॉज अबाउट मिक्सचर्स. सो नाउ वी हैड क्लासीफाइड मिक्सचर इन टू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड सेकेंड इज हेटीरोजीनियस मिक्सचर्स. सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ओके. सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट इन डिटेल वट आर दीज काइंड ऑफ मिक्सचर्स, वाई वी हैड क्लासीफाइड द मिक्सचर इन टू टू कैटेगरीज. हमने मिक्सचर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया ही क्यों है, क्या उनकी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तभी हमने उनको क्लासीफाई किया है. सो उनकी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी पड़ेंगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव टू, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर्स. सो एज द नेम सजेस्ट, होमो, होमो मीन्स नियर अबाउट सेम. जैसे हम बात करते हैं होमो का मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी है, कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है. तो सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर. होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच द सब्सटेंसेज और द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंप्लीटली मिक्सड टुगेदर. पूरी तरह से वो क्या हो चुके हैं, आपस में मिक्स हो चुके हैं. सपोज आई टेक वन स्पून ऑफ शुगर एंड डिजोल्व इट इन वन ग्लास ऑफ वाटर. जस्ट डिजोल्व इट प्रॉपरली फॉर वन मिनट, देन वन वट वुड यू ऑब्जर्व, वी विल सी दैट द शुगर विल कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर. शुगर जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी, ठीक है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी. तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज यूनिफॉर्म कम्पोजिशन. यूनिफॉर्म कम्पोजिशन मीन्स आप अगर पूरे सोल्यूशन को ऑब्जर्व करें तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं या यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. पूरे के पूरे सोल्यूशन में आपका पूरे पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी. अमाउंट ऑफ शुगर एंड अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहेगा आपका, पूरे सोल्यूशन थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. नो विजिबल बाउंड्रीज वैन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कम्प्लीटली मिक्सड. वो पूरी तरह से घुल चुके हैं तो वहाँ पे हमें उनकी कोई सेपरेट बाउंड्री नज़र ही नहीं आएगी. हमें ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि यहाँ तक शुगर है और यहाँ पे वाटर स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक इसकी बाउंड्री हमें शुगर की बाउंड्री और यहाँ तक हमें वाटर की बाउंड्री, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नज़र नहीं आएगा. एंड दीज आर ऑल्सो कोल्ड एज सोल्यूशंस. एंड एग्जाम्पल आर शुगर सोल्यूशन, सोल्ट सोल्यूशन एंड लेमोनेट. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स. सो वट आर द प्रॉपर्टीज, लेट्स सी अगेन. सब्सटेंसेज आर कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर, यूनिफॉर्म कम्पोजिशन, नो विजिबल बाउंड्रीज शुड बी देयर. सी दिस पिक्चर, द सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड
सोल्ट। यू कांट सी एनी सोल्ट पार्टिकल हेयर, कोई अलग से सोल्ट पार्टिकल आपको नज़र नहीं आ रहा, तो कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है आपकी। कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, सोल्ट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर पर ज़्यादा डिजोल्व हुआ है या एक कॉर्नर पर कम डिजोल्व हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे लिक्विड में, पूरे वाटर में वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इक्वली डिजोल्व हो चुका है। तो कंपोजिशन भी क्या है, यूनिफॉर्म है, और आपका सोल्ट पूरी तरह से इसमें क्या हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है ये आपका, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इज हेटीरोजीनियस मिक्सचर। व्हाट आर हेटीरोजीनियस मिक्सचर? सो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। सो इन होमोजीनियस सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली मिक्सड, बट हेयर इन हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। सब्सटेंस क्या होते हैं आपके, सेपरेट रहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये पिक्चर, वाटर एंड सोल्ट। यू कैन सी हमने क्या किया है इसमें, इन दोनों को मिक्स तो किया है, बट सैंड फिर भी अलग है और वाटर क्या है, अलग है। हम ये दोनों क्या हुए हैं, कम्प्लीटली आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दीज आर, इट इज़ अ हेटीरोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नॉट यूनिफॉर्म कम्पोजिशन। सो वी कैन सी कम्पोजिशन क्या है इसमें, यहाँ पे सेम नहीं है। वी कैन सी ऑन द डाउन साइड द सैंड पार्टिकल्स आर मोर, बट ऑन द अपर साइड देर आर वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन सैंड पार्टिकल्स की कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे क्या है, कम है। तो इसमें फिर क्या हुआ, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन में क्या था, कंपोजिशन सेम थी, सोल्ट पार्टिकल हर प्लेस पे क्या हुए थे, इक्वली डिजोल्व हुए थे, बट यहाँ पे क्या है, वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज विजिबल बाउंड्रीज। विजिबल बाउंड्रीज मतलब हमें बाउंड्रीज वहाँ पे नज़र आएंगी। सो यू कैन सी सैंड और वाटर की हमें बीच में एक बाउंड्री नज़र आ रही है, सैंड पार्टिकल्स और वाटर के बीच में एक लेयर बनी है, एक बाउंड्री बनी है, जो क्या है, इजीली विजिबल है, हम इसको इजीली देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मिक्सचर है, हेटीरोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल पोल्यूटेड एयर, अगर हम पोल्यूटेड एयर की बात करें तो उसमें भी क्या होगा, कहीं पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, कहीं पे स्मोक पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा भी नहीं कि पूरे एयर में जितने भी वहाँ पे एयर प्रेजेंट है सब में ही स्मोक पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, और वहाँ पे भी आपको बाउंड्रीज नज़र आती हैं, स्मोक अगर एक प्लेस से निकल रहा है तो आपको एयर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बाउंड्री नज़र आएगी, जहाँ तक आपको पता चलेगा कि यहाँ वाली एयर में क्या है, स्मोक पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे दूसरी प्लेस पे स्मोक पार्टिकल्स क्या हैं, आपके कम हैं। तो पोल्यूटेड एयर भी आपका किसका एग्जांपल हुआ, हेटीरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। ठीक है, इफ वी मिक्स शुगर एंड सैंड देन आल्सो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, वी विल सी दैट शुगर एंड सैंड पार्टिकल्स भी क्या बनाएंगे, हमारा हेटीरोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्या रहेंगे, आपके सब्सटेंस सेपरेट रहेंगे, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, आप कहीं पे देखेंगे क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे आपको और कहीं पे क्या होगा, आपको शुगर पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हेटीरोजीनियस मिक्सचर्स, देर आर मोर एग्जांपल्स ऑल्सो, यू कैन सी इन योर बुक। सो मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेटीरोजीनियस ओनली सोल्यूशंस एंड एलोएज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सोल्यूशंस और एलोएज के अलावा जितने भी मिक्सचर्स हैं आपके, वो मोस्टली कैसे होंगे, वो होंगे आपके हेटीरोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, वो सभी क्या होते हैं आपके, मोस्टली हेटीरोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो अब सोल्यूशंस क्या हैं, एलोएज क्या हैं, ये हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम सोल्यूशंस के बारे में करेंगे, एलोएज क्या होते हैं उनके बारे में करेंगे। ठीक है, और हम कुछ डिफरेंट काइंड्स के हेटीरोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो दिस वॉज अबाउट मिक्सचर्स एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सो दिस वॉज आवर टेबल, वी हैड स्टडीड अबाउट होमोजीनियस एंड हेटीरोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू द वीडियो केयरफुली एंड रीड द कंटेंट, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन मैसेज योर डाउट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।